So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who want to make their career in phone banking officer. Dosto, ICICI bank, HDFC banks are having lot many jobs regarding phone banking officer. और इन दिनों में जो जॉब्स आई हुई है वो आईसीआईसीआई बैंक ने निकाली है रिगार्डिंग फोन बैंकिंग ऑफिसर। और आज हम ये एक मॉक सेशन देने जा रहे हैं आप लोगों को। उम्मीद है हमारे दोनों चैनल्स पीडी क्लासेस और इंट्रो गाइड पर आप स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस देख रहे हैं, इवन बैंकिंग रिलेटेड बहुत से वीडियोस आप इंजॉय कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये मॉक सेशन आपको बहुत बेनिफिट देगा। और काजल, मैं आपको बताना चाहूंगा आज का हमारा एक मॉक सेशन है जिसका फोन बैंकिंग ऑफिसर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले काजल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि फोन बैंकिंग ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। सर, एक फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल ये होता है कि अगर कस्टमर की कॉल्स आए, उनकी कंप्लेंट्स की और क्यूरीज को हैंडल करना। बिल्कुल, और क्यूरीज को हैंडल करना। यस सर, और बैंक में जो प्रोडक्ट होते हैं और सर्विसेज होती हैं वो जानने के बारे में इच्छुक होते हैं। राइट, जो परचेज भी करना चाहते हैं। यस सर, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, अच्छे से उन्हें उनकी नॉलेज देना। बिल्कुल, ये वर्क होता है उनका। राइट, और कुछ आप बताना चाहेंगे? यस सर, और सर दिन में काफी कॉल्स हैंडल करनी होती है, 100 से भी ज्यादा। ओके, और सर सर्विसेज और प्रोडक्ट के बारे में जानना। ठीक है, आपने ऑलमोस्ट अच्छा बताया। और जो आप बता रहे हैं वो डिसिप्लिन के साथ, मींस अच्छा डिसिप्लिन रखते हुए अगर वो लोग अपनी कॉल्स को हैंडल करते हैं, दिस इज द क्वालिटीज। और अल्टीमेट जो काम होता है वो यही होता है कि बैंकिंग बिजनेस लेकर आना। यस सर, बैंक को बिजनेस प्रोवाइड करना। यस सर, कस्टमर की हेल्प करते हुए बैंक बिजनेस लेके आना। बिल्कुल, तो आपके हिसाब से एक फोन बैंकिंग ऑफिसर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ये बताइए। सर, सबसे पहले तो उसके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी वो अच्छी होनी चाहिए। राइट, बातचीत का उसे तरीका होना चाहिए। एंड सर, उसमें मैनर्स और एटिकेट्स होने चाहिए। बिल्कुल, एटिकेट्स आर कंपलसरी, मैनर्स। राइट, मोर। और सर, उसे कस्टमर को अच्छे से समझाना, एग्जांपल देते हुए समझाना आना चाहिए। बिल्कुल सही बात, क्योंकि बहुत से कस्टमर्स मैं कहता हूँ टेक्निकल या फाइनेंशियल लैंग्वेज ये वर्ड्स में अटक जाते हैं। उनको इतना क्रेडिट डेबिट तक तो सीमित है, पर इससे आगे अगर बढ़ते तो उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता है। तो अगर वो किसी एग्जांपल के साथ किसी कस्टमर को समझाते हैं, चाहे वो एफडीआर हो या लोन्स वगैरह, तो वो उसे इजीली समझा सकते हैं। इजीली समझा सकते हैं, आई एग्री विद यू। मोर क्वालिटीज। और सर, उन्हें हिंदी और इंग्लिश के अलावा और अलग भी लैंग्वेजेस पे कमांड होनी चाहिए। बिल्कुल, लाइक पंजाबी, राजस्थानी एंड गुजराती, इन पे भी कमांड्स होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बताया कि जो स्किल्स है वो कंपलसरी है और क्वालिटीज मैं कहूंगा रिगार्डिंग फोन बैंकिंग ऑफिसर आर कंपलसरी। चलिए, अब आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। आप हमें ये बताइए कि फोन बैंकिंग ऑफिसर आप क्यों बनना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर, सबसे पहले तो मेरी हिंदी और इंग्लिश में अच्छी कमांड है। okay. और इसके अलावा भी मेरे कई दोस्त हैं जो पंजाबी बोलते हैं, तो मेरे को पंजाबी भी अच्छे से आती है। एंड सर, मेरे घर पे राजस्थानी बोली जाती है, तो मेरे को राजस्थानी की भी अच्छी नॉलेज है। तो सर, इनके अलावा मेरी दो तीन लैंग्वेजेस पे अच्छी कमांड है। और सर, मैं दोस्त भी जल्दी बना लेती हूँ। okay. एंड मेरे को लोगों से बात भी करनी आती है। एंड सर, मेरे को जो सेलिंग स्किल्स है वो भी है मेरे अंदर अच्छे से। okay. तो सर, इसलिए मैंने सोचा मैं फोन कॉल्स जो ऑफिसर है इस पोस्ट के लिए आऊं। बिल्कुल, आपकी अगर हॉबीज नए लोगों से मिलना है, दोस्त बनाना है, तो ये आपके लिए मैच भी करता है। यस सर। अब आप मुझे ये बताइए कि बैंकिंग सेक्टर में आप अपना करियर क्यों बनाना चाहते हैं, व्हाट इज द रीजन? सर, जैसे कि अपने जानते हैं कि जो बैंकिंग सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। सर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि बैंकिंग सेक्टर में वर्क करने का मुझे मौका मिल रहा है। एंड सर, मैं अपनी फैमिली का हेल्पिंग हैंड भी बनना चाहती हूँ जॉब को प्राप्त करके। और यहाँ पर मौका मिल रहा है लोगों की हेल्प करने का, और सर लोगों की हेल्प करते हुए पैसा कमाना, ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। आई एग्री विद यू। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको फोन बैंकिंग ऑफिसर जो वर्क प्रोफाइल है, या ये कह दीजिए कि एक्चुअली में जो काम करना है, सारा नॉलेज है? नो सर, ऑल्दो आई एम फ्रेशर, पर सर मेरे को फोन कॉल्स हैंडल करने का अच्छा नॉलेज है। okay. क्योंकि सर, जो मेरी प्रीवियस जॉब थी वहाँ हमें फोन कॉल्स हैंडल करने होते थे। एंड सर, अगर मुझे इसके कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाए, अगर मेरे को प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में Bilkul. थोड़ी जानकारी दी जाए, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अच्छे से कस्टमर से बात कर सकती हूँ। ओके okay. तो ऑब्वियस है कि ट्रेनिंग सेशन पार्ट तो बिल्कुल आपका रहता है भाई, जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है। यस सर। चलिए, मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से अभी तक आपको भी कुछ नॉलेज होगा बैंकिंग का, जो कस्टमर रिलेटेड जो क्यूरीज होती है, तो किस तरीके की कंप्लेंट्स या क्यूरीज कस्टमर कर सकते हैं आपके हिसाब से? क्या क्या कंप्लेंट्स मेजर आ सकती है फोन पर, बता सकते हैं? यस सर, बताइए। सर, कई तरह के कंप्लेंट्स होती हैं। जैसे सबसे पहले तो मेन कंप्लेंट जो है वो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, अमाउंट कटना। कस्टमर की कॉल्स आती हैं कि अमाउंट ज्यादा कटती है, जैसे 10 रुपए कट गई, जैसे कभी अचानक कुछ अमाउंट कटती है, जिसको हमारी, हाँ जी, जैसे उन्हें पता नहीं होता कि हमारी अमाउंट क्यों कट रही है।
तो इसके लिए कॉल्स आती हैं सर, जो FDR बनवानी हो उसके लिए कॉल्स आती हैं सर, अगर किसी का ATM लॉस्ट हो चुका है उसके लिए कॉल्स आती हैं सर, अगर किसी को अपना नंबर लिंक करवाना हो या चेंज करवाना हो उसके लिए भी कॉल्स करते हैं एंड सर लोन रिक्वायरमेंट के लिए भी लोन आज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके लिए कस्टमर्स बहुत इच्छुक होते हैं जानने के लिए एंड सर कभी फ्रॉड कॉल्स भी आती हैं तो उसके बारे में भी जानने के लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए या जानने के लिए कि कॉल्स एक्चुअल थी कि नहीं, बिल्कुल सही बताया, ये कुछ कॉमन कंप्लेंट्स है जो कस्टमर द्वारा आती है। चलिए अब ये बताइए कि आपने बताया कि आपने भी वर्क किया है, फोन कॉल्स हैंडल करी है, तो आपने अगर बैंकिंग में वर्क नहीं किया तो आपने कहाँ पे काम किया है? सर मैंने BPO कंपनी में वर्क किया है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यस सर। तो वहाँ आपका प्रोफाइल? सर वहाँ हमें इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों तरह की कॉल करनी होती थी। ओके, तो आपने इन तरीके लोगों को इजीली हैंडल किया है। यस सर। आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस बता सकते हैं? यस सर। सर मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, पंचुअल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। और सर मैं वीकनेस है कि मैं बातें बहुत करती हूँ। ओके, तो आप कस्टमर्स के साथ इजीली बात करने में कंफर्टेबल रहेंगे? यस सर। तो ये शायद आपकी स्ट्रेंथ्स भी बने। यस। और आपका 5-year प्लान क्या है लाइफ का, आगे 5 सालों में आप क्या करना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो मैं इस जॉब को प्राप्त करके इसमें अच्छा वर्क करना चाहती हूँ मेहनत से। और सर मेरा 5-year का प्लान यही रहेगा कि मैं अच्छा वर्क करते मेहनत करते हुए इस पे अपने सीनियर पोस्ट पे दिखूं। ओके, दैट्स गुड। अच्छा मुझे ये बताइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन कॉल्स के दौरान कभी आपका कोई बुरा एक्सपीरियंस रहा हो? यस सर, फोन कॉल्स के दौरान हमें हर तरीके के लोग मिलते हैं, हर तरीके के लोगों से बात करनी होती है, कोई अच्छे बोलते हैं, कई बुरा बोलते हैं, और कई तो अच्छे से बात कर भी लेते हैं, कई फ्लर्ट भी करने लग जाते हैं, तो उनसे हमें पता चल जाता है। जो लोग फ्लर्ट करते हैं उनको कैसे हैंडल करते हो आप? सर हम टू द पॉइंट बात करते हैं उनसे, ओनली प्रोडक्ट की बात करते हैं, कोई अदरवाइज कोई बात नहीं करते, ना ही हम उन्हें अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। ओके, यू मीन टू से कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देते? यस सर। चलिए आज जो हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ICICI बैंक्स लिमिटेड, तो उसके CEO का नाम बता सकते हो आप? यस सर, सर मिस्टर संदीप बख्शी। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ICICI बैंक का? सर ICICI बैंक का हेडक्वार्टर वडोदरा में है। ओके, प्राइवेट बैंक भी है और पब्लिक बैंक भी है, तो आपके हिसाब से क्या दोनों होने चाहिए या पब्लिक ही हो या प्राइवेट ही हो? सर मेरे हिसाब से दोनों बैंक ही होने चाहिए, प्राइवेट और पब्लिक, क्योंकि सर इससे हेल्दी कंपटीशन बना रहे और जो सामाजिक भ्रष्टाचार है वो भी नहीं होगा। ओके, आई एग्री विद यू कि इससे कंपटीशन, जो हेल्दी कंपटीशन है वो बिल्कुल बना रहेगा अगर प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरीके के बैंक रहेंगे तो। अच्छा HDFC बैंक भी फोन बैंकिंग ऑफिसर की जॉब्स है वहाँ भी, तो मुझे बता सकते हो कि HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? सर HDFC बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूँ कि आपका जो कस्टमर है सामने कॉल जो आपको कर रहा है वो बहुत गुस्से में है, तो आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं उनकी बात सुनूंगी इजीली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और अपनी बात बता रहे हैं मुझे गुस्से में। तो आपका फर्स्ट जो पार्ट बनता है वो गुड लिसनर का ही। यस सर, कि सबसे पहले मैं उनकी बात सुनूं कि वो मेरे को कहना क्या चाहते हैं और फिर मैं उनको उनकी बात समझते हुए उन्हें खुद अपनी बात समझाऊंगी कि हमारे क्या प्रोफाइल क्या वर्क रहेगा। बिल्कुल, और मान लीजिए कुछ एब्यूजिंग वर्ड वगैरह यूज कर रहा है वो, तो आप क्या कहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं अपनी लैंग्वेज पे कमांड रखूंगी कि मैं कुछ गलत ना बोलूं उन्हें, क्योंकि अगर वो गुस्से में को कुछ गलत बोल रहे हैं तो और फिर ना आए और मैं उन्हें समझाऊंगी कि अब्यूज वर्ड ना यूज करें। ओके, चलिए भाई, और मान लीजिए कि मैं आपको इस समय एक पेन देता हूँ बेचने के लिए, तो आप उसे कैसे बेचेंगे? सर सबसे पहले तो मैं उसकी क्वालिटीज बताऊंगी। आप उसकी प्राइस के बारे में क्यों नहीं बात करेंगे? सर सबसे पहले मैं आपकी क्वालिटीज बताऊंगी ताकि आप सेटिस्फाइड हों पहले, और जब आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे फिर मैं आपको उसका प्राइस बताऊंगी। ओके, यू मीन टू से फर्स्ट यू शुड टॉक ऑफ द गुड पॉइंट्स और द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, देन ओनली यू कैन कम ऑन द अमाउंट प्राइस और व्हाटएवर द चार्जेस आर देयर। आई एग्री विद यू। चलिए भाई, जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे आप बहुत अच्छे बता रहे हैं। आपने बताया आपको नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है, इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या है? सर मुझे नई जगह पे जाना और नए नए दोस्त बनाना एंड ये मेरी हॉबीज हैं सर, कंप्यूटर वर्क भी करना। ओके, तो मुझे लगता है कंप्यूटर एडवांटेज तो हमें बेनिफिट देगा यहाँ पर। अच्छा चलिए, मुझे ये बताइए कि फोन बैंकिंग ऑफिसर के लिए हमारे पास और भी बॉयज और गर्ल्स है जो आपकी कैडार के है, तो हम आपको सेलेक्ट क्यों करें, उन्हें क्यों ना करें? सर सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूंगी कि आपने मुझे ये अवसर दिया, और सर मैं बताना चाहूंगी कि मेरी तरह ही लोग बाहर खड़े हैं और मैं उनसे खुद को कंपेयर तो नहीं कर सकती, पर अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगी कि सर मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, पंचुअल हूँ, ऑनेस्ट हूँ, और मैं सर अपना ईमानदारी से वर्क करूंगी, तो सर मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का एक चांस दीजिए। डेफिनेटली हम आपको चांस देंगे। अब आप सिर्फ हमें ये बताइए कि आप अलोन वर्क करना पसंद करते हैं या टीम में काम करना पसंद करते हैं? सर वैसे मेरा ज्यादा प्रेफरेंस मैं टीम को दूंगी, पर लेकिन अगर सर जरूरत पड़ने पर मैं अकेले भी काम कर सकती हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही टीम की जरूरत है? यस, आप अकेले भी इतने कैपेबल हैं? यस सर। ओके ओके, दैट्स वेरी गुड। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपसे, आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? यस सर, दीजिए।
सर आई एम काजल एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माई नेम, क्योंकि मैं अच्छा कार्य करके लोगों के दिल जीत लेती हूँ और सर मैं हेल्पफुल गर्ल हूँ. सर मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर से बिलोंग करती हूँ, जिसे राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है. सर मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन है वो MGS यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट करी है. ओके, और ऑलरेडी आप अपनी हॉबीज और स्ट्रेंथ्स हमें बता चुके हैं. अब मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि दोस्तों बहुत बार ऐसा होगा कि इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने आपसे भी पूछा था कि आप बैंकिंग सेक्टर में क्यों आना चाहते हो. तो एट दैट टाइम यू कैन इंप्रेस एन इंटरव्यूअर बाय सेइंग सर बैंक इज अ पोटेंशियल सेक्टर ग्रोइंग विद एन एक्सेलेंट रेट. हियर वी गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट न्यू पर्सनालिटीज, जो मेरी हॉबीज है सर. एंड इफ आई विल वर्क हार्ड सर, डेफिनेटली आई विल गेट रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन. Moreover, you can state also that sir, regularity in working environment makes us to remain free from rustling. क्योंकि बैंक एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जहां पर छुट्टियां बहुत कम होती है, काम में क्वालिटी रहती है, तो रेगुलरिटी रहती है. अदर देन दैट आप ये भी कह सकते हैं कि सर हेयर आई विल गेट लॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज, और आप कह सकते हैं सर बैंक प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज दैट ऑल्सो कवर्स ए मोनिटरी एस्पेक्ट्स विच आई बिलीव इज क्वाइट नेसेसरी फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन लाइक मी. तो इस तरीके की बात कहकर आप बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर के अंदर एंटर हो सकते हैं. और कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी रह गया आपके लिए वो ये है कि मान लीजिए इस इंटरव्यू में जो आज आप दे रहे हैं फोन बैंकिंग का, इसमें आपका सिलेक्शन ही ना हो तो आप क्या करेंगे? सर वैसे तो मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, काफ़ी अच्छी तैयारी की है, और मुझे पता कि हो जाएगा. और अगर नहीं होता है मेरा तो मैं सर अपनी गलतियों पे वर्क करूंगी और दोबारा से इस पे ट्राई करूंगी, और मैं ट्राई अगेन पे विश्वास रखती हूँ. ओके, दैट्स अ वंडरफुल आंसर. और आपको सैलरी क्या चाहिए, सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या आपसे? सर मेरे लिए सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए ग्रोथ इंपॉर्टेंट है कि मैं इससे अच्छा कार्य करके अपनी ग्रोथ करूं. ओके, और मैं अच्छा कार्य करूंगी तो मेरे को ऑब्वियसली अच्छी सैलरी मिलेगी. बिल्कुल, और ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस्ड है, आपको फोन कॉल्स का नॉलेज है, तो ऑब्वियस है कि हमारा जो सैलरी पैकेज रहेगा आपके लिए वो अच्छा रहेगा, और आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है. तो चलिए, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू काजल, और हम अपने स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों यदि आप फोन बैंकिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्लीज आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग इंटरव्यू, हम आपकी हेल्प करने के लिए तैयार. आप कमेंट बॉक्स के अंदर, इसी वीडियो के कमेंट के अंदर यदि आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल हम आपको आंसर देंगे. अदर देन दैट हमारे दोनों चैनल से आप बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हैं. हमारे दोनों चैनल्स को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड. काजल, रियली प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया. प्राउड ऑफ यू, बेस्ट विशेस टू यू. थैंक यू सर, बेस्ट लक.